हाँ जी अभी बाबा ने बोला धीरे धीरे शरीर की हड्डियाँ नरम पड़ रही हैं। कड़क हड्डियाँ होती हैं तो राख देर में बनेगी या जल्दी बनेगी, तो अभी नरम पड़ रही है, राख बन जावेंगी। अब देखेंगे राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं और कोटों में से एक लाखों में से एक कौन निकलते हैं वो भी देखेंगे। और जो पहली पहली भक्ति की होगी वही ठहर सकेंगे, जो पहली पहली भक्ति की होगी वही ठहर सकेंगे, तो वो वही ठहर सकेंगे, ठहर सकेंगे, ठहर सकेंगे जिन्होंने पहले भक्ति की होगी। हाँ तो ठहर सकने में इसका डिटेल में बता दीजिए। ठहर सकेंगे माने ज्ञान में ठहरेंगे, शुरुआत की अभिविचारी भक्ति नहीं की होगी तो ज्ञान में ठहरना मुश्किल होगा, और जिन्होंने अभिविचारी सतोप्रधान भक्ति की होगी वो लंबे समय तक ज्ञान में ठहरेंगे। माया के अपोजिशन को सहन करते रहेंगे, मुकाबला भी करेंगे, नहीं तो माया उनको धराशायी करती रहेगी। और बाबा ने बोला जो भारतवासी पक्के भारतवासी होंगे सीढ़ी का चित्र उन्हें ही अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। फिर सीढ़ी का चित्र बनाया है रमेश भाई ने, जो आधार मूर्त आत्मा है बाबा, दूसरे धर्म की आत्मा है तो उन्होंने, वो तो 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। हाँ। तो वो सीढ़ी का चित्र कैसे बना दिया? सीढ़ी का चित्र है भक्ति मार्ग के साक्षात्कारों से बनाया गया है या बुद्धियोग से बनाया गया है? और बुद्धि विदेशियों में ज्यादा होती है या स्वदेशियों में ज्यादा होती है? है विदेशियों में बुद्धि ज्यादा होती है, वो विदेशियों की आधार मूर्त आत्मा है, वो ही सीढ़ी का चित्र बनाती है। और पार्वती का एक नाम गौरी भी है, इसलिए गौरी शंकर कहते हैं। तो बाबा गौरी का नाम शंकर से पहले क्यों है? जैसे सीता का नाम राम से पहले है, राधा का नाम कृष्ण से पहले है, ऐसे ही गौरी का नाम शंकर से पहले है। परंतु जब पार्वती बोलते हैं तो शंकर पार्वती बोलते हैं, इसका कारण क्या है? पार्वती का अर्थ क्या है? पार लगाने वाली, जो पवित्र होगी वो पार लगाएगी या अपवित्र होगी वो पार लगाएगी? हैं? पवित्र होती है तो पार लगाने वाली बनती है, अपवित्र होती है तो डुबोने वाली बनती है। अभी तुम सब ज्ञान लेती हो, ईश्वर का ज्ञान लेती हो तो जो ईश्वर का ज्ञान धारण करती है वो पार्वती बनती है, पार लगाने वाली बनती है। इसलिए पार्वती ने ज्ञान किससे लिया है? उन्होंने तो शंकर का नाम लगाई दिया, लेकिन वास्तव में शंकर ने ज्ञान दिया या शिव ने दिया? शिव पार्वती कहना चाहिए, शिव भगवान का नाम है, शंकर तो देवता है, लेकिन भक्ति मार्ग में शिव शंकर को एक समझ लिया है, इसलिए भगवान से ऊंचा तो कोई नहीं हो सकता, इसलिए शंकर का नाम पहले और पार्वती का नाम
बाद में, परंतु जब गौरी शब्द कहते हैं तो गौरी शब्द आगे लगाते हैं और शंकर शब्द बाद में लगाते हैं। इसका क्या कारण हुआ? वही कारण हुआ जो सीता का नाम पहले और राम का नाम बाद में, राधा का नाम पहले और कृष्ण का नाम बाद में। क्यों? क्योंकि कृष्ण को पावन बनाने में सहयोग देने वाली राधा जब तक सहयोगी न बने तब तक कृष्ण भी पावन नहीं बनता, राम को सहयोग देने वाली सीता जब तक सहयोगी न बने तब तक राम भी पावन नहीं बन सकता। तो पवित्रता का पहले पहले बीड़ा उठाने वाली कौन है, गौरी या काली? गौरी। इसलिए गौरी का नाम पहले और शंकर जब कहा गया है तो शंकर का अर्थ ही है देवता से, भगवान से नहीं है। और हाँ, बाप की कॉपी नहीं कोई नहीं कर सकता। हाँ, किसने? वो तो खुद ही भगवान का रूप है, उसके अलावा कापी जब होती है तो दो हो जाते हैं कि एक होता है? हाँ, तो वो तो उसकी तो कापी होगी ना, कापी करने वाले कितने भगवान निकल पड़े सन 36 के बाद, ढेर के ढेर भगवान निकल पड़े ना, तो कापी करने वाले हुए ने या नहीं हुए? हुए तो, लेकिन सफल कोई नहीं हो सकते सिवाय एक के, सफलता किसी को नहीं मिल सकती। रामायण में बोला है कि राम को शांति दिखाया गया है, राम को शांति दिखाया गया और उसका, क्योंकि कलाएं कम है ना, जब कलाएं कम होती हैं तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ते हैं या घटते हैं? परशुराम कितने कला संपूर्ण दिखाया जाता है? परशुराम को 4 कला संपूर्ण दिखाया है और राम को 14 कला संपूर्ण दिखाया है, तो अंतर क्यों नहीं होगा? और अभी बाबा पहला प्रजापिता को पहला नारायण बताया गया, पहला पहला जब पहला नारायण होता है वेदांत पहला होता है, द्वापर में पहला पहला द्वापर में विक्रमादित्य पहले है या विक्रमादित्य से पहले भी कोई बड़ा है? है मुरली में तो बोला है कि द्वापर कलयुग में जो भी पतित राजाएं होते हैं उनसे भी बड़ा कोई होता है, वो पतित राजाएं पतित बुद्धि वाले होते हैं, जो पतित बुद्धि वाले राजाएं होते हैं वो राजकाज चलाने के लिए महामंत्री रखते हैं या गुरु रखते हैं, तो गुरु की इतनी मान्यता राजाएं क्यों देते हैं? क्योंकि खुद पतित हैं और वो गुरु पावन होता है। तो राजा विक्रमादित्य भी पतित दुनिया का राजा था या पावन दुनिया का राजा था?
उसने अपनी अकल से सोमनाथ का मंदिर बनाया या उसको किसी ने रास्ता दिखाया? गुरु ने रास्ता दिखाया। जो गुरु ने रास्ता दिखाया वो गुरु बड़ा ठहरा या विक्रमादित्य बड़ा ठहरा? गुरु बड़ा हो गया। और ज्ञान के किताब में लिखा है नवनिर्माण का अनूठी योजना है। अनूठी माने जिसका सानी कोई भी न हो, जिसकी उपमा किसी से न दी जा सके, ऐसी योजना। अनूठी माने बिल्कुल सत्य, असत्य का नाम निशान नहीं। और पाकिस्तान माने एक पवित्र स्थान, किस हिसाब से बोला है? वहां तो मुसलमान धर्म होता है, तो पाकिस्तान पवित्र स्थान कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि पाकिस्तान में धर्म कौन सा है? मुस्लिम धर्म है। और मुस्लिम धर्म की परंपरा क्या है कि एक मुसलमान ज्यादा से ज्यादा कितनी शादियां कर सकता है? 4 शादियां कर सकता है, 4 पत्नियां एक साथ रख सकता है। लिमिट है या नहीं है? अगर इससे ज्यादा कोई रखता है तो पकड़ के जेल में डाल देते हैं। और हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में कोई लिमिट है? है लिमिट? नहीं। हिंदुस्तान के राजाओं ने तो सैकड़ों सैकड़ों पत्नियां रखी, यथा राजा तथा प्रजा। राजाओं में ताकत होती है, वो खुलेआम कोई आवर्तन कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, आचार कर सकते हैं। प्रजा में इतनी शक्ति नहीं है तो चोरी छुपे करती है, राजा को फॉलो जरूर करती है। तो हिंदुस्तानी ज्यादा पतित हुए या पाकिस्तानी ज्यादा पतित हुए? है हिंदुस्तानी ज्यादा पतित हुए, इसलिए पाकिस्तान को नाम दिया है पाकिस्तान। लेकिन हर साल हर 12 वर्ष के बाद में संगम प्रयाग में लगता है और भी लगता है। हाँ, 12 साल के बाद भक्ति मार्ग में लगता है और ज्ञान मार्ग में 12 साल के बाद क्या होता है जो यादगार बन गई है? 76 में ज्ञान का कुंभ हुआ, ज्ञान कलश मिला। 76 के बाद फिर 12 वर्ष के बाद जब त्रेता युग की शूटिंग पूरी होती है तो ढेर की ढेर आत्माएं विदेश से निकलती हैं, दक्षिण भारत से, और बाप की प्रत्यक्षता हो जाती है। तो 12 साल पूरे हुए या नहीं हुए?
88-89 में, उसके बाद 2000 में फिर मेला लगता है, कलकत्ते में मेला हुआ ना, कितने साल के बाद हुआ, 12 साल के बाद। अभी फिर कहते हैं माया सभ्यता की कैसेट में कि 2012 का टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, अर्ध कुंभ का मतलब 6 महीने के बाद। और बाबा सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार है, जब गंगा अंत में प्रत्यक्ष होगी, अभी यमुना प्रत्यक्ष हुई है कि गंगा प्रत्यक्ष हुई है, है? सूर्य पुत्री गंगा यमुना कही जाती है या गंगा कही जाती है? यमुना कही जाती है। तो ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हुआ, उसके साथ ही साथ यमुना भी प्रत्यक्ष हुई। लेकिन गंगाएं तो अंत में ही प्रत्यक्ष होती हैं, जो अव्यक्तवाणी मुरली में भी बोला है कि ये सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो सन्यासी कब निकलते हैं, अंत में निकलते हैं कि पहले ही या बीच में? अंत में निकलेंगे। जो पावरफुल होते हैं वो जल्दी मान लेते हैं, या जो कच्चे होते हैं वो जल्दी बात को मान लेते हैं? तो ये सब कच्चे बैठे हुए हैं। क्यों कहा गया कि वो काम कर सर्वश्रेष्ठ विजय प्राप्त नहीं कर पाते? क्या नहीं कर पाते? काम फिर सर्वश्रेष्ठ विजय प्राप्त नहीं कर पाते। वो ही तो विजय प्राप्त करते हैं, जो चंद्रवंशी है वो विजय प्राप्त नहीं करते, जो विजय प्राप्त करते हैं वो ही राजा बनते हैं, जो इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं वो ही राजा बनते हैं। यहाँ इंद्रियों को जो कंट्रोल करेंगे वो विश्व के मालिक बनेंगे, यहाँ इंद्रियों के राजा नहीं बनेंगे तो वहाँ विश्व के राजा नहीं बन सकते। विजय माला के साथ इसलिए प्रत्यक्ष हो पाएंगे कि ये प्रवृत्ति मार्ग है या निवृत्ति मार्ग है। जो ईश्वर राजयोग सिखाते हैं वो प्रवृत्ति मार्ग का है या निवृत्ति मार्ग का है? तो प्रवृत्ति मार्ग में समान पुरुषार्थ ही चाहिए। समान पुरुषार्थियों का जब पुरुषार्थ होगा साथ साथ तो विजय हो जाएगी। भक्ति मार्ग की बातें झूठी हैं और ज्ञान मार्ग की बातें सच्ची हैं। क्यों सच्ची है? क्योंकि ज्ञान एक सत्य बाप से आता है और भक्ति अनेकों गुरुओं से आती है, उन गुरुओं को पता ही नहीं है कि राम राज्य में त्रेता युग में दुख का नाम निशानी नहीं होता है। जहां दुख का नाम निशान ही नहीं है वहां रावण राज्य कहां से आ गया? भक्ति मार्ग में हुई, ये संगम युग की देखा दूनी हुई। हाँ, संगम युग में हम ये विषय सागर को पार करते हैं। पार करने से पहले बुद्धि में, बुद्ध रूपी मंदिर में राम की स्थापना होती है। राम बाप को पहचानते हैं, जिन्होंने राम बाप को पहचाना नहीं वो ये विषय सागर पार नहीं कर सकता। और
योगी में बोला गया कि प्रजा पिता ही द्वापर युग में व्यास बन गई। व्यास को ईश्वर है क्या? व्यास ईश्वर है या मनुष्य है? हैं? मनुष्य है। व्यास को थोड़े ही ईश्वर कह सकते। बाबा आज मंत्री मारा है कि बच्चे बाप से कुछ पद पा लेते हैं। बच्चे कैसे कुछ पद पा लेते हैं बाप से? बाबा कहते हैं मैं सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ, मैं त्रिलोकीनाथ नहीं बनता हूँ, और तुम बच्चे त्रिलोकीनाथ बनते हो। ये बात गीता में भी बताई है। गीता में बताया है कि दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक क्षर और एक अक्षर। क्षर उन्हें कहा जाता है जो क्षरित होती रहती, शक्ति जिनकी क्षीण होती रहती है, और अक्षर उसे कहा जाता है जो कभी क्षरित नहीं होता, क्षीण नहीं होता। तो जो क्षीण नहीं होता है वो है शिव, और जो क्षरित होते हैं वो हैं 500-700 करोड़ मनुष्य। लेकिन गीता में इन दो श्लोकों के बाद एक तीसरा श्लोक भी आया है कि इन क्षर और अक्षर से भी ऊंची आत्मा वो है जो विष्णु पद पाती है। सृष्टि के आदि में भी विष्णु है और सृष्टि के अंत में भी विष्णु पद प्राप्त करने वाली होती है। तो वो आत्मा विश्व का मालिक है, त्रिलोकीनाथ है। शिव से भी ज्यादा ऊंच मान्यता उसकी हो जाती है जो कहा जाता है ऊंचते ऊंच तुम बच्चे हो। तो ऊंचते ऊंच परमधाम में होता है या साकार सृष्टि में होता है? कहाँ होता है? साकार सृष्टि में ही ऊंचते ऊंच होता है। परमधाम में ऊंच और नीच की बात नहीं है। साकार सृष्टि में ही जो हीरो पार्टीधारी है वो क्षर और अक्षर दोनों प्रकार की आत्माओं से ऊंचे है। उत्तम ते उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम कहा जाता है। शिव को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, पुरुषों में उत्तम नहीं कहा जा सकता। वो तो खुद ही कहते हैं कि स्वर्ग के सुख तुम बच्चे भोगते हो, मैं तो स्वर्ग में जाता ही नहीं। ऑलराउंड पार्टधारी तुम बच्चे बनते हो, मैं तो ऑलराउंड पार्टधारी बनता ही नहीं हूँ। और हाँ जी, विष्णु कौन बनता है? शिव। शिव विष्णु पद प्राप्त करता है या मनुष्य विष्णु पद प्राप्त करता है? मनुष्य। हाँ जी। और राहुल गांधी और नेहरू गांधी और नेहरू बार बार मुंबई में आते वो हद के बापू हैं और हद के नेहरू हैं। गांधी बापू ने राम राज्य लाने के लिए प्रयास किया, परंतु राम राज्य कर सका क्या? नहीं कर सका। अच्छा, राज्य कर सका है? राज्य भी नहीं कर सका। और नेहरू, नेहरू जितने भी भारतवासी हैं उन भारतवासियों के बीच में
जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया, सबसे जास्ती ऊंच पद किसने पाया और लंबे समय तक ऊंच पद किसने पाया? गांधी ने पाया या नेहरू ने पाया? नेहरू ने पाया। ऐसे ही राम और कृष्ण के बीच में कृष्ण वाली आत्मा भारतवासियों का बापू है, विश्व का बापू नहीं है। उसको नेह की रूह नहीं कह सकते। स्नेह अर्थात प्यार का सागर, प्यार की रूह का पाठ बजाने वाली राम की आत्मा है। तू प्यार का सागर है, लेकिन किसके द्वारा? राम वाली आत्मा के द्वारा प्यार का सागर है। कृष्ण वाली आत्मा सिर्फ ब्रह्मा कुमारियां ही पसंद करती है। ब्रह्मा कुमार कुमारी जो है, जो पवित्रता को विशेष महत्व देते हैं लेकिन पवित्रता का गहरा अर्थ नहीं समझते हैं, कि घर गृहस्थ में साथ में रहते हुए इंद्रियों पर कंट्रोल करना, यही असली पवित्रता है। ये बात उन ब्रह्मा के फॉलोअर्स की बुद्धि में नहीं बैठती है, परंतु फिर भी पवित्रता को तरजीह देते हैं। सन्यासी इतने पावरफुल क्यों हैं कि सन्यासी जब निकलेंगे तब ही हमारी विजय होगी, क्योंकि पवित्रता को ज्यादा तरजीह देते हैं, बल पवित्रता का सही अर्थ नहीं जानते। जब रुद्रमाला प्रत्यक्ष हो जाती है, रुद्रमाला पहले बनती है या विजयमाला पहले बनती है? तो रुद्रमाला जब पूरी तैयार हो जाती है, प्रत्यक्ष हो जाती है, तो उनकी आंखें खुलती है। पहला पहला मणका विजयमाला से कौन निकलता है? लक्ष्मी निकलती है। तो एक रानी मक्खी निकलती है, उसके पीछे पीछे सारा झड़ जाता है। अन्न असूया, जिसमें किसी से ईर्ष्या द्वेष का नाम निशान न हो। असूया माने ईर्ष्या द्वेष, काशी माने पवित्र, काश्य माने योग का तेज। तो ये जो नाम आए हैं, योगिनी, काशी, अनुसूया और जगन्नाथपुरी में तीसरा कौन दिखाया जाता है? सुभद्रा। ये कहाँ के नाम हैं? ये रुद्रमाला में ही पहले और दूसरे मणके में अंतर दिखाया गया है। और संग माने संपूर्ण, जीवनी माने जीवन देने वाली, संपूर्ण जीवन देने वाली। संपूर्ण जीवन देने वाला ईश्वर का ज्ञान है। ईश्वर के ज्ञान में भी संपूर्ण ज्ञान वो है जो एडवांस ज्ञान दिया जाता है। 9 लाख आत्माएं होंगी निकलने वाली ऐसी, जो संजीवनी धारण करती है। अकेले लक्ष्मण की बात नहीं है, कितनी आत्माओं की बात है? 9 लाख आत्माओं की बात है जो संपूर्ण ज्ञान को धारण करती है और पूरे 84 जन्म लेती है, पूरे 84 जीवन जीती है। इसलिए नाम संजीवनी पड़ता है। और हाँ है
त्रिशूल में जो बीच का शूल है वो विष्णुपद का लायक है। पहला शूल ब्रह्मा का सूचक है, दूसरा बीच का शूल विष्णु का सूचक है, और तीसरा शूल शंकर का सूचक है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? शंकर बनना है या ब्रह्मा बनना है या विष्णु बनना है? तो ये लक्ष्य है हमारे जीवन का, विष्णु पद प्राप्त करना। और अष्टदेव सूक्ष्म बीज होते हैं, वो अष्टदेव नौ धर्मों की मुख्य आत्माओं में प्रवेश करते हैं संगम में, और फिर वो आत्माएं नौ नारायणों में प्रवेश करती हैं, बुद्धि रूपी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, और फिर वो नौ नारायण अष्टदेवों में सतयुग में बनने वाली नारायणी आत्माएं प्रवेश करती हैं। आप उल्टा बोल रहे हैं, संगम में ही प्रवेश करती है। जैसे सतयुग का पहला नारायण संगम युग के नर से नारायण बनने वाली आत्मा में प्रवेश करता है, माना अष्ट देवों में से जो फर्स्ट देव है, महादेव है, उसमें वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा अर्थात सतयुग का फर्स्ट नारायण प्रवेश करता है। ऐसे ही सात जो अष्टदेव हैं बाद वाले, उन सातों में सतयुग के सात नारायण प्रवेश करते हैं टाइम टू टाइम। पुरुषार्थ करते करते आगे कौन जाएंगे? अष्टदेव आगे जाएंगे या सतयुग के कम कलाओं वाले सात नारायण आगे जाएंगे? हैं? अष्टदेव आगे जाते हैं। क्यों आगे जाते हैं? कोई कारण होगा? हैं? हाँ, उनको प्रैक्टिकल में अनुभूति है बाप की, और नारायणों को प्रैक्टिकल बाप की अनुभूति नहीं है। जब तक ब्रह्मा की बुद्धि में ही ये न बैठे कि भगवान का साकार रूप इस दुनिया में कौन है, ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल, अपन को ही भगवान का साकार रूप मानती है, तो उनके बाद बनने वाले सतयुग के सात नारायणी आत्माएं किसको भगवान मानेंगी? है? अरे, जो सतयुग का पहला नारायण है वो अपन को भगवान का साकार रूप मानता है, तो उसके बाद वाले जो नारायण होंगे सात, वो भगवान का रूप किसको मानेंगे? है? ब्रह्मा को ही मानेंगे। इसलिए ये अंतर पड़ जाता है। अष्टदेव नवग्रह में क्या नौवा है? वैल्यूलेस। वो आठ की वैल्यू दिखाने के लिए नौवा दिखाया जाता है। जो वैल्यूलेस है वो देवता कैसे कहा जाएगा? इसलिए अष्ट देव का गायन है, नौ देवताओं का गायन नहीं है। नौ नारायण तो हैं, लेकिन नौ देवता नहीं है। देवताएं सोलह कला संपूर्ण होते हैं या कम कला वाले होते हैं? सोलह कला संपूर्ण। देवता उन्हीं को कहा जाता है जो पूरे चौरासी जन्म लेते हैं। जो नौवा नारायण होगा वो तो कम कलाओं वाला होगा। संगम युग का एक नारायण और सतयुग के आठ नारायण, तो अंतिम नारायण सबसे कमजोर नारायण है। ऐसा कमजोर नारायण है
जो अपनी राजाई भी अपनी कमाई हुई धन संपत्ति से नहीं कर पाता, उसे लोन लेना पड़ता है, और ये लोन लेने की शूटिंग भी संगम युग में होती है। तो अपने लिए भी जो भरण पोषण नहीं कमाई कर सके, वो राज्य क्या चलाएगा? राज्य ही झूठा हो जाता है, राजाई डुबोने वाला नारायण है, राजाई डूब जाती है, नारायण का राज्य ही खत्म हो जाता है। किसका राज्य शुरू हो जाता है? राम का राज्य शुरू हो जाता है। और कभी कभी प्यारी लड़की काफी है जो त्रिशूल में लगी है, वो जो त्रिशूल का पद है, लेकिन जो त्रिशूल का चित्र है चार भुजाएं उनमें जो है काशी नगरी तो जो ब्रह्मा है वो क्या बनता है? विष्णु बनता है। ब्रह्मा एक है या अनेक है? है अनेक ब्रह्मा है। जो अनेक ब्रह्मा है उनमें एक ब्रह्मा का ही सर्वोपरि नाम है या सभी ब्रह्मा का सर्वोपरि नाम है? एक का ही नाम है, बाकी चार जो हैं वो आधीन रहने वाले हैं। जैसे भुजाएं आधीन होती हैं और चलाने वाला स्वाधीन होता है, ऐसे ही विष्णु की चार भुजाएं आधीन हैं। किसके आधीन है? जो उन चार भुजाओं को चलाने वाला बैठा हुआ है। तो आधीन बनना है या स्वाधीन बनना है? स्वाधीन बनना अच्छा है, इसलिए अष्टदेव सूर्यवंशी हैं। वो सूर्यवंशी में और जो ब्रह्मा हैं उनमें से एक भुजा ऐसी है जो चंद्रवंश से सूर्यवंशी बन जाती है, बाकी सब ऐसी नहीं है। तो नीची कैटेगरी में क्यों जाना चाहिए? अष्टदेव तो बहुत ऊंची कैटेगरी है। और जीके वालों में और एडवांस वालों में, ना ही जीके वालों में और ना ही एडवांस वालों में अंदर के इसमें भिड़े होते हैं, उनकी आत्मा अभी तक कोई भी नहीं है, तो उनके लिए बाबा का ज्ञान है कि नहीं? सिखों में भिजड़े होते हैं, हिजड़े की तुलना बीके और पीवे विके वालों से क्यों की? ज्ञान नहीं है क्या उनका? ऐसा कौन ज्ञान क्यों नहीं आए? यहाँ जितने बैठे हैं वो सब बीके थे या नहीं थे? परसेंटेज में ज्यादा यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं वो बीके थे या नहीं थे? तो कैसे आ गए? हैं? वो विज्ञान में आएंगे, लास्ट में वो भी ज्ञान में आएंगे। वो आत्मा ही नहीं है? 500-700 करोड़ आत्मा में उनकी गिनती नहीं है? गिनती है या नहीं है? है? वो भी अंत में ज्ञान में आवेंगे। और मण के 108 होते हैं या 109 होते हैं? है रुद्रमाला के मण के कितने होते हैं? 9वां कहाँ है? वो ऊपर विजय माला में दिखाया गया है, सिर्फ इसलिए दिखाया गया है कि 108 जो नीचे के गोलाई में बैठे हुए मणके हैं वो सात प्रवृत्ति मार्ग के हैं। उनमें एक भी मणका ऐसा नहीं है जो निवृत्ति मार्ग का हो।
वो प्रवृत्ति को दिखाने वाला ऊपर का मण का दिखाया जाता है, युगल मण का, वो होता नहीं है। संगम युग में 12 × 8 ऐसे नहीं कहा जाता, कैसे कहा जाता, 12 × 9 बारह ने मैं 108, 9 ही धर्म हैं जो आस्तिकता वाले हैं, भगवान को मानने वाले हैं, जो भगवान को मानते हैं वो भगवान से राजाई की प्राप्ति करते हैं, जो भगवान को मानता ही नहीं, नास्तिक धर्म, उसमें राजाई होती ही नहीं, तो उनकी संख्या निश्चित है, 12 राशियों में बटे हुए हैं, 9 धर्म की आत्माएं, 12 ने मैं 108, 109 की तो गिनती नहीं होती। तो वो युगल मण का सिर्फ दर्शाने के लिए दिखाया है कि विजयमाला जब बनती है तो विजयमाला के 108 मण के सारे प्रवृत्ति मार्ग के हैं, एक मणके में डबल डबल समझो। और हनुमान चालीसा में आया है, अष्टसिद्धि भीमावती विजेता था, निशान की माँ, अष्टसिद्धि भीमावती विजेता था, अष्टसिद्धि निधि कहते हैं खजाने को। 9 धर्मों में अपने अपने खजाने तो होते हैं ना, उन खजानों का सबका मालिक वो बनता है, अष्ट सिद्धियों का मालिक बनता है कौन, ब्रह्मा की सोल जब संपन्न ज्ञान ले लेती है, इसलिए कहा जाता है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। दाता वो ही होगा जो पहले उसका स्वामी हो, स्वयं स्वामी नहीं होगा तो दूसरों का दाता कैसे बनेगा। और बाबा जी ने जगदम्बा का, जगदम्बा की सोल का सती में क्या पार्ट है, राम की सोल का सती को में क्या पार्ट है, कहां सती को में कहां नारायण बनती है। अरे जो एक बार ऊंच पद ले लेता है वो अगले जन्मों में उस युग में नीचे गिरता जाता है, ये नियम है। एक ही आत्मा एक ही युग में हर जन्म में ऊंचा पद नहीं पा सकती, जैसे राम वाली आत्मा संगम युग में विश्व का मालिक बन गई, तो ऐसे नहीं है कि सतयुग में भी वह जाकर के मालिक बन जाएगी। सतयुग का मालिक नारायण अलग और संगम युग का मालिक नारायण अलग, ऐसे ही जैसे राम वाली आत्मा जगत पिता का पार्ट बजाती है वो सतयुग में जाकर के ऊंच पद नहीं पा सकती, ऐसे ही जगदम्बा वाली आत्मा भी संगम युग में जगत की अम्बा है, ब्रह्मा कुमारियों में ऊंच से ऊंच जो ब्रह्मा कुमारी है उसका मान मर्तबा जितना नहीं होगा, अथवा कोई भी धर्म में कोई भी संप्रदाय में उस धर्म की माता का जितना मान मर्तबा होगा उन सब के मुकाबले जगदम्बा का मान मर्तबा संगम युग में सबसे जास्ती होगा। इसलिए सिखों में गायन है, राज करेगा खालसा, किसके ऊपर राज करेगा, सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों के ऊपर, चंद्रवंशियों के ऊपर,
सिर्फ इस्लामियों के ऊपर या बौद्धियों के ऊपर नहीं, सारे विश्व के ऊपर राज्य करेगा खालसा। ये मान मर्तबा सारा देने के लिए शिव बाबा आया हुआ है। पुरुषों को मान मर्तबा देता है या कन्याओं को मान मर्तबा देता है? है? कन्याओं माताओं को मान मर्तबा देता है। लक्ष्मी सिर्फ पवित्र बनने वाली आत्माओं के ग्रुप की मालिक होगी। दुनिया में जो अपवित्र धर्म वाले ग्रुप हैं उनकी मालिक नहीं होगी, और जगदम्बा सब की मालिक होगी। तो संगम युग में एक बार ऊंचते ऊंचे पद पा लिया तो सतयुग में भी पाएगी क्या? नहीं, वहां मान घट जाता है, हर जन्म में नीचे उतरती जाएगी। जैसे राम वाली आत्मा उतरते उतरते सतयुग के अंतिम जन्म में प्रजा वर्ग में चली जाती है, प्रजा वर्ग में होते हुए भी इतना बड़ा साहूकार बनती है कि उस साहूकार के धन संपत्ति से आखिरी नारायण का सारा राज्य चलता है। और उसकी शूटिंग कहां होती है? संगम युग में होती है। सन 76 में जो सतयुग का आखिरी नारायण बनने वाला होता है, कौन कौन से धर्म से कनेक्टेड है? आर्य समाज से। क्या प्रूफ है? आर्य समाज के लिए बताया है कि वो लिटरेचर बहुत छपाते हैं, लिटरेचर से जितनी सेवा करते हैं उतनी सेवा और किसी भी साधन से नहीं करते, बहुत बांटते हैं। तो किसने छपाया? बीके वालों में कौन ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने लिटरेचर से बहुत सेवा की है? जगदीश भाई। तो सतयुग का आठवां नारायण साबित हो जाता है। लेकिन जो मुरलियों का मनन चिंतन मंथन है, जो ब्राह्मणों का पहला धर्म है कि मुरलियों का अध्ययन करके बाप की पहचान लेना और दूसरों को बाप की पहचान देना, वो कार्य किया क्या? किया? नहीं किया। इसलिए वो आत्मा लोन लेती है। किससे लोन मिलता है? ये काम किसने किया? राम वाली आत्मा ने किया। मनन चिंतन मंथन करके जो ज्ञान रतन तैयार हुए, ज्ञान रतन खदान से निकले, उन खदानों से सारा परिवार ज्ञानी परिवार तैयार होता है। जो ज्ञानी परिवार एडवांस ज्ञानी कहलाते हैं, पीबी के कहे जाते हैं, और इस तरह ईश्वरीय ज्ञान जिंदा रहता है। उन्होंने तो मान मर्तबा लेकर के हवाई जहाजों में घूम करके सारा ही पैसा बर्बाद कर दिया, और ईश्वर बाप की प्रत्यक्षता नहीं कर सके, इसलिए उनके ऊपर लोन चढ़ जाता है। और राम वाली आत्मा लोन देने के निमित्त बन जाती है। ये शूटिंग यहां हो जाती है। इसलिए मुरली में बोला है कि जो आखिरी नारायण होगा वो लोन लेकर के अपनी राजाई चलाएगा सतयुग के अंत में, और राम वाली आत्मा राजाई घराने में जन्म नहीं लेगी। सतयुग के अंत में कहां जन्म लेगी? प्रजा वर्ग में जन्म लेगी। इसकी शूटिंग कहां होती है? है? कैसे? संगम युग में राम वाली आत्मा 75-76 आते आते ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो एडमिनिस्ट्रेशन है
उसे एडमिनिस्ट्रेशन से निकाल दी जाती है, उसके पास ब्रह्मा कुमारियों की कोई सत्ता कोई कुर्सी नहीं रहती। तो प्रजा वर्ग में आ गई या राज वर्ग में रही? प्रजा वर्ग में आ गई। यहां शूटिंग होती है हर बात की और वहां प्रैक्टिकल होता है। और हाँ जी, वापस आने को राम को सदावास संन्यास ले जाने के बाद जब जाने लगे वहाँ कहते हैं कि नर नारी तो वापस है, नर नारी अपने अपने घर को वापस बंद हो जाती है और वहाँ ये नर्तक करने वाले नर्तकी लोग जो है वही रहते हैं। समझा क्या दे रहे हैं? वही रह गए तो वो 14 वर्ष के बाद आने पे फिर वही भी गए काम करता क्या है? बाबा ये पूछ रहे हैं जो राम को जब बनवास हुआ जब जब वो जाने लगे तो किनारे नदी पार करने किनारे बोले कि नर नारी सभी वापस चले गए, जो बीच वाले वो उनको नहीं बोले वहीं पे रहते हैं, उनके बारे में जानना है। किन्नर वापस नहीं गए हैं? कि राम वापस आएंगे तब वापस जाएंगे अयोध्या में। हाँ है, हाँ वापस जाएंगे सबके लिए, तो आदेश करिए कि आप नारी को वापस कर दिए, क्यों नहीं किन्नर को वापस? हाँ, क्योंकि रामराज्य नहीं था, यही तो रामराज्य की विशेषता है। रामराज्य में सबको हक है जाने का, क्या ऐसा नहीं है कि किन्नर नहीं जा सकते? तो राम आते हैं फिर उनको हिस्सा मिल जाता है रामराज्य में, यथा राजा तथा प्रजा की स्टेज पाते हैं। और भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं न अति बरखा न अति धूप न अति बस्ता न अति चूर, अति किसी बात की अच्छी नहीं होती है, अति सर्वत्र बढ़ जाते, अति से क्या होता है अंत आ जाता है, इसलिए अति नहीं होनी चाहिए। एक भाई बोलते हैं कि जो पाल हुआ का नामक ठीक है, जो हर चीज अपने आप होनी है तो हम मेहनत क्यों करें? तो उनका खाना क्यों खाते हो? बंद कर दो, किचन में क्यों जाते हो खाना खाने के लिए पकाने के लिए? बंद कर दो ना। गीता में एक श्लोक आया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। माना 5-4 वर्ष के ड्रामा में प्रकृति के द्वारा सारा कार्य सारे पार्ट हरेक अणु में हर आत्मा में नुदे हुए हैं, लेकिन अहंकार से भरा हुआ मनुष्य ये समझता है कि मैं करने वाला हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्जुन चाहे युद्ध करे या न करे, धनुष बाण छोड़ के बैठ जाए, फिर भी उसे युद्ध करना ही पड़ेगा, बंधा हुआ है, ईश्वर ही बंधा हुआ है। भगवान खुद कहते हैं मैं इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, तो जब भगवान ही बांधा हुआ है तो आत्माओं की क्या विशात है? और बाबा
जानने में हम भक्ति किया था और जानने में हरि राज राइट किया तो उस समय सिर्फ निश्चय पत्र दिया जाता था, कोर्ट तैयारी का नहीं दिया जाता था कि कुछ करना है। निश्चय पत्र सादा कागज पे लिया जाता था लेकिन स्टाम्प पेपर पर नहीं लिया जाता था। उसका कारण है कि 98 के बाद सरकारी तंत्र ईश्वरीय कार्य में विघ्न डालने लगा, तो सरकार को जवाब देने के लिए स्टाम्प पेपर पर निश्चय पत्र लिखाना शुरू कर दिया ताकि सरकार के लोग बाध्य न कर सके, उनको भी जवाब मिल जाए। नहीं तो कागज के एक पत्ते पर भी लिखाने की क्या दरकार है। और बाबा तो सबको अलाउड ही है ज्ञान के लिए, तो बाधेली माता है कैसे भक्ति करेगी, इसका हमको समय बनता है। हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप। गवर्नमेंट में तो ऐसा कोई कानून नहीं है, गवर्नमेंट में तो संविधान में पहले ही स्वतंत्रता दी हुई है कि भारत का कोई मनुष्य, कोई भी स्त्री जो वयस्क है, बालिग है, वो भारत के किसी भी हिस्से में आना जाना कर सकती है, कोई रोक नहीं कर सकता। अगर कोई रोकता है तो दंड का भागीदार होगा। अब माताएं खुद ही बंध जाएं, ले बांध लो, हम तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते, हमें रोटी दाल जरूर चाहिए। इसी का आधार लेके बाबा है, इसी बात का आधार लेके बोलते हैं कि तुम लोग जिनके बच्चे 18 तक वयस्क हो गए हैं, तुम माताओं को लिखित में क्यों चाहिए, क्या चाहिए लिखित में, लिखित में तुम लोगों को क्यों परमिशन चाहिए? माताओं से पूछा जाता है ना, तो माताएं शिव शक्तियां बन के उनको जवाब दें, लो हम जाते हैं तुम रोको। अरे लिखने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत है नहीं तो आओ ना, बिना लिखे आ जाओ, हिम्मत करो ना। आती हैं और वो लेने आते हैं तो वह चली जाती हैं, बेचारे बाबा हथकड़ी के लायक बन जाते हैं, इसलिए लिखाना पड़े ना। और बाबा जो भट्टी किया जाता है तो किन कारणों से भट्टी को खंडित माना जाता है और दोबारा किया जाता है? भट्टी से बाहर निकल जाए, जैसे गर्भ में बच्चा आता है, गर्भ 9 महीने का पूरा नहीं हुआ और 6 महीने में 4 महीने में अबॉर्शन हो गया तो दोबारा गर्भ में जाना पड़े कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ऐसे यहां भी ये 9 मास की 9 दिन की भट्टी है, इसमें अगर कोई उस भट्टी के स्थान से बाहर निकल जाता है, भूत प्रेतानी दुनिया में चला गया, तो उसे दोबारा भट्टी करनी पड़े। बाहर का अन्न खा लेता है, बच्चा जब गर्भ में आता है तो खाना पीना सारा अंदर मिलता है या बाहर का लेता है, तो ऐसे ही ये भट्टी भी है, इसमें खाना भी और दूध या पानी जो कुछ भी है पीना भी अंदर का ही लेना है। अगर एक दिन भी मार्केट में निकल गया और खाना पीना बाहर का खा लिया तो उसे दोबारा भट्टी करनी पड़ेगी। बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं, पत्र व्यवहार भी करता है, पकड़ लिया जाता है तो दोबारा भट्टी करनी पड़े, फोन भी नहीं कर सकते, फोन भी बाहर की दुनिया वालों से किया तो भट्टी कैंसिल हो गई।
जैसे गर्भ में बच्चे का बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं रहता, ऐसे ही ये 9 दिन की भट्टी है। आत्मा का बुद्धि योग अंदर ही रहना चाहिए, बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट होना चाहिए। और भट्टी के दौरान में किसी को नींद ना आए तो क्या हो गई है? भट्टी के दौरान में किसी आत्मा को नींद ना आए तो कैसी स्थिति? बड़ी बढ़िया बात, फाउंडेशन ही निद्रा जीत का पड़ गया। हमारी आखिरी जो स्टेज होगी, आखिरी स्टेज में अर्जुन निद्राजीत बनता है या कुंभकर्ण बनता है? निद्राजीत बनता है। तो जिसका फाउंडेशन ही निद्राजीत का है तो वल्ल ही वल्ल, बहुत बढ़िया पुरुषार्थी है। हाँ, वो बाहर निकलता है, भट्टी करके निकल जाता है और अब जितना कायदा उतना फायदा। जो जितना ठहर सकता है, आज भी तो मुरली में आया, कौन ठहरते हैं? हैं? जो अभिविचारी भक्त हैं, जिन्होंने शुरुआत की अभिविचारी भक्ति की होगी, उनका भोजन भी कैसा होगा? ज्ञान में आने के बाद अभिविचारी हो जाएगा, वो ही ठहर सकते हैं। अगर फर्स्ट क्लास भक्ति नहीं की है, सतोप्रधान भक्ति की नहीं की है, तो भट्टी से बाहर गए और नियम कानून सारे उठा के ताक में रख दिए, वो ऊंच पद पाने वाली आत्मा ही नहीं है। ईश्वरीय कानून को विशेष महत्व देने वाली आत्माएं नहीं है। दुनिया में भी जो कानून को तोड़ते हैं उनको सजा दी जाती है, जो साधारण गवर्नमेंट होती है, कोई भी धर्म की गवर्नमेंट होती है तो नियम कानून को तोड़ने वाले को सजा दी जाती है। और ये तो ऊंचते ऊंच गवर्नमेंट है, ईश्वरीय गवर्नमेंट, इसके नियम कानून जो कोई तोड़ते हैं तो उनको धर्मराज के यहाँ सजा जरूर मिलनी है। और जितनी ज्यादा सजा के भागीदार होंगे उतना पद भी उनका कम होता जाएगा। ओम शांति।